खत्म किया, राइट? हाँ सर, और ये ई लिख सकते हो या फिर आई भी लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ टोटल एनर्जी बोल सकते हैं ना इसको सर। यस टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होता है, राइट? हाँ सर, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन। हाँ और हमेशा याद रखना जो इंटरनल एनर्जी है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई। आई जो होता है ना, ये दो चीज होता है, पहला तो ई होता है और दूसरा स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है सर मतलब? ई मतलब होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके अच्छा, ओ स्टेट फंक्शन मतलब, ओके आ समझा 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 समझा, हाँ सर फाइनल मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, पे डिपेंड करता है। हाँ मैं बीच में भूल गया है ये स्टेट फंक्शन क्या होता है, लेकिन याद आया बाद में समझे? कि और थर्मोडायनेमिक्स में। सिंपल बोल सकते हो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैलकुलेटेड, और ऊपर से सर पोटेंशियल एनर्जी भी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी एक रिलेटिव टर्म है। यस गुड। उसको हम अज्यूम करते हैं आज हाँ सरफेस पे, मतलब हम ग्राउंड को वो बोलते हैं कि हाँ ये ग्राउंड है, रेफरेंस मानते तभी हैं। तभी वो जीरो रहता है, लेकिन सर रेफरेंस के हिसाब से वो हर टाइम सही रहता है। मैंने ही सिखाया था शायद तुमको। मेरे को याद नहीं सर, आपने, हाँ आपने इतना तो बोला था कि वो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन वो बाद में अपने फिजिक्स के अंदर भी बहुत यूज हुआ ना, तो मेरे को याद ही हो गया अभी अच्छे से। मैंने तुमको सिखाया था ना जो पोटेंशियल होता है, इसको किधर सिखाया था मैंने पता है, या पीरियोडिक में, कि पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी जो होती है ना, ये रिलेटिव टर्म होती है, इट के नॉट बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली, क्योंकि हाँ इसमें अजम्पशन आता है। हाँ सर, डेल्टा ई इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। इनिशियल, हाँ सर, फॉर आइडियल गैस, हाँ समझ में आया? आइडियल हाँ गैस का जो टोटल इंटरनल एनर्जी होता है इज इक्वल टू के ई प्लस पीई, तो उसका पीई क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो हो क्योंकि उसके जाएगा। अंदर कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। हाँ, तो लिख सकता हूँ नो इंटरैक्शन इन केस ऑफ आइडियल गैस, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। बराबर। हाँ सर, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड सिंपली क्या कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर। तो तुम सिंपली क्या कह सकते हो, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर, हाँ एग्जैक्टली यह हाँ सर, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर, हमेशा याद रखना हाँ फॉर सर, आइडियल गैस। नाउ फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, हाँ या फिर ऐसे कह सकता हूं टी इज कॉन्स्टेंट, हाँ ई भी कॉन्स्टेंट होएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कॉन्स्टेंट रहेगा, डेल्टा ई भी जीरो रहेगा। हाँ, सही ये सुना है डेल्टा एच? सर, एंथाल्पी ना। हाँ, एंथाल्पी चेंज, ये हाँ मैंने तुमको सिखाया था बहुत पहले, याद है?
हाँ सर, केमिकल बॉन्डिंग के टाइम में सिखाया था, या एंथाल्पी फिर मतलब नहीं हीट। उसके पहले भी सिखाया था, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हाँ, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी कांस्टेंट प्रेशर। हाँ क्यों पता है? इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट तो ट्रांसफर होगा ही नहीं ना। होगा ही नहीं। हाँ क्यों? अगर हीट ट्रांसफर होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा। हाँ हीट ट्रांसफर होने के लिए हाई टू लो जाना पड़ेगा ना, ताकि वो इक्विलिब्रियम में, अगर पहले से इक्विलिब्रियम में तो ट्रांसफर होएगा ही नहीं। नेक्स्ट इज जितना टाइम तुम रिवाइज कर लेते अब उतना टाइम तो ट्रैवलिंग में जा रहा है। हाँ सर, नहीं, कुछ करना पड़ेगा आदि, नहीं तो ऐसे होते रहेगा तो फिर यार प्रॉब्लम सर मैं सोच है। रहा था कि मैं ना रास्ते के बीच में रिवाइज करूँ, लेकिन सर रास्ते के बीच में भी नहीं होता है रिवीजन। मैं देखा, मतलब मैं ना ट्राई कर रहा था आज, मैं बुक लेकर गया था पढ़ने, पढ़ रहा था मैं जितना हुआ, लेकिन मुश्किल है उसके अंदर भी। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? तुम कार से जाते हो ना? नहीं सर, मैं रिक्शा से जाता हूँ, या फिर वो राकेश अंकल एक है, वो है ना सेंटर पे काम करते हैं, वो बाइक लेकर आते हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना तो उनको बोलता हूँ कि बाइक लेकर आओ और मेरे को लेकर जाओ कॉलेज। तो बाइक कौन सी है उनकी? उनके पास अवेंजर है शायद से। अच्छा, चलो देखो, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन आता हूँ तो सर वो रिक्शा से ही आता हूँ मैं। रिक्शा का हो जाता होगा 250 अराउंड ना? नहीं, सर इतना नहीं, 110 तक आता है, 110, 140, डिपेंड करता है कि वो 23 वाला है या फिर 18 वाला है, जो भी। 23 मतलब? उसका एक दो अलग अलग रिक्शा का स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, एक 18 रुपीज़ रहता है ना, एक 25 या फिर 23 रहता है। ये 23-25 कभी से स्टार्ट हो गया? आपने कभी नोटिस नहीं किया सर? नहीं, हमेशा 18 ही रहता है हमारे यहाँ नहीं तो। नहीं नहीं 25 भी होता है शायद से, मैं श्योर नहीं वो हूँ, लेट लेकिन नाइट होता है शायद से, सर मैंने तो देखा है, मेरे को इतना याद है, 6 बजे के बाद होता है शायद से। पता नहीं मेरे को, लेकिन होता तो है सर। तो वो जो ओ ज़्यादा वाला रहता है ना, वो 140 के आसपास जाता है, कुछ ये तो हंड्रेड एंटिक चीज बता दी तुम थर्टी मेरे के को। पास कुछ, एंड 118 वाला 110 तक जाता है। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, कांस्टेंट, और एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ आइसोलेटेड सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल इज यूनिवर्स। हाँ, बताया था ना मैंने। यस सर, आज है ना वो गन्नप्पा सर एकदम ऐसा भड़क गए किसके ऊपर? सबके ऊपर। क्यों? अरे सर क्या किए सर है ना, हमें आजकल ये रिव्यू सेशन करा रहे ना सब, मतलब सॉल्विंग एंड ये सब, तो है ना हम सॉल्व, वो है ना सर हमें क्वेश्चन देते हैं, हमें सॉल्व करना रहता है, और है ना उसके अंदर रेज हैंड का ऑप्शन रहता है, तो जितने लोगों ने भी सॉल्व किया है या फिर अटेम्प्ट किया ना, वो लोगों को हाथ ऊपर करना रहता है। तो है ना सर कुछ 40-45 या फिर आज आज 45 थे, 45, हाँ 43 स्टूडेंट्स थे, एंड बाकी के दो तो वो थे एमजे के ही, तो वो 43 स्टूडेंट्स में से है ना सर सिर्फ हार्डली 50% या फिर उससे भी कम है ना हाथ उठा रहे थे कि उन्होंने अटेम्प्ट किया है। एंड सर है ना बार बार है ना बोल रहे थे कि ना इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, बस मेरे को पता रहता है लेकिन मैं आंसर नहीं देता, मेरे को है ना आंसर देने में बहुत अजीब लगता है, तो बाकी लोग देते रहते, तो है ना ऐसा एक दो बार हो कि कोई आंसर ही नहीं दिया, एंड आंसर दिया तो लेट दिया थोड़ा, तो है ना सर बोले कि क्या तुम लोग ऐसा पढ़ते नहीं हो, एंड ऐसा तुम ऐसा, एंड सर ने गुस्से में है ना बोल दिया इडियट्स, ऐसा बोल दिया सर ने सबको। और बाद में सर गुस्सा होके ना तो एक लास्ट सम कराया एंड एग्जिट कर दिया मीटिंग बिना कुछ बोले। सर हाँ
बस इडियट बोले ना। हाँ इडियट बोले, और बोले कि तुम लोग को जो भी क्या बोलते तुम लोग को वो ड्रीम है वो पूरा नहीं करने का, और ऐसे ऐसे से बोल रहे थे। बोला इंग्लिश में कि बोल रहे थे कि हिंदी में? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। ओके हाँ एंड मैं तो यही बोल रहा था क्योंकि यार सर जो भी था ना उसके लिए मैं हाथ सब उठाया था कि मैंने ये सब अटेम्प्ट किया, मेरे को आंसर भी आया ये सब। और मैं ना अगर मेरे को सर ऐसा बोलते भी ना कि ना इसका फॉर्मूला मैं बोल देता, लेकिन जो बाकी के लोग नहीं कर रहे थे ना कुछ भी उनके ऊपर सर बहुत भड़क गए। बाद में क्या अभी कर सकते हो। हाँ, और ऊपर से अभी ना मैं ए, हमको कॉलेज में भी बोला था ना लेक्चर के लिए, तो है ना सर मेरे को क्वेश्चन पूछता रहता है तो मैं जवाब देता रहता, तो अच्छा है एकदम मस्त। मैं ना वरना ऑनलाइन रहता है ना सर का, तो ऑनलाइन में इतना कुछ जवाब नहीं देता मैं, बाकी लोगों को बोलने देता हूँ। नहीं, लेकिन आता रहेगा जब कोई नहीं बोलता ना तो बोलने का, हाँ तो समझे। मैं तब तो बोलता ही हूँ, ऐसा नहीं कि तब नहीं बोलता हूँ, तब तो है ना सबसे पहले ऐसा मैं ही बोलूँ हाँ सर मेरे को आता है, तो मैं मतलब क्या रहता है कि साइलेंस रहता है ना बहुत देर तक, तो है ना मैं बोलता हूँ किसी को नहीं आया अभी मैं बोलेगा मेरा आंसर ऐसा। ये देखो, ये इवन है, इसने क्यू एनर्जी लिया तो ये हो जाएगा इवन प्लस क्यू, बराबर। हाँ सर ये सिस्टम का पहला एनर्जी था इंटरनल एनर्जी इवन, उसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिया तो इवन प्लस क्यू हो गया, हाँ राइट। हाँ सर और फिर उसने डब्लू अमाउंट ऑफ वर्क भी हुआ उसके ऊपर, हाँ उसके ऊपर वर्क हुआ, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो पॉजिटिव होता है। यस समझा। हाँ सर तो मान लो उसका फिर कैसे दिखाएंगे, इवन प्लस क्यू प्लस डब्लू, राइट। हाँ एंड दिस वन विल बी, एक सेकेंड, इसका बाउंड्री थोड़ा चेंज करता हूँ। उड़ी बाबा, गलत बटन दब गया, अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा। दिख अरे रहा हो सर तुमको? हाँ वो लोड हो रहा है। अरे सर अभी मेरा एक और प्रॉब्लम हो गया, आपको पता है क्या, ये मेरा बायो का क्लास रहता है ना वो मिस का है ना रखा ना, लेकिन क्लास का टाइमिंग है ना चेंज कर दिया, एंड है ना ये लोगों ने ना लेक्चर पता है वही टाइमिंग पे रखा है जब मेरा बायो का क्लास तो है, एंड फिर एंड मिस कोई और टाइम में फ्री है ही नहीं। एंड सुबह सेवन थर्टी मतलब टू 9:30 मेरा मेरा ये बायो का एमजे का चलता है। तो तुम खुश हो रहे, मतलब तुमको भी नहीं चाहिए। अरे नहीं सर मैं बोल रहा हूँ कि सर मेरे को है ना बायो का लेक्चर अटेंड करने का, लेकिन ये लोगों ने पूरा जमा कर रखा है इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ई वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू E2 ई टू। हाँ सर वॉट इज ई टू? E2 ई टू इज कॉल्ड एनर्जी एज ऑफ द फाइनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फॉर द फाइनल इंटरनल सिस्टम। एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हाँ समझ में आ गया ना? हाँ मतलब उसके ऊपर ओके जो भी उसने ऑब्जर्व किया ना उसके ऊपर जितना भी काम हो उसके बाद जो हुआ ओके राइट। था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू इज इक्वल टू ई वन प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। हाँ सो सिंपली इट डेल्टा विल बी ए वॉट, इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू, क्यू प्लस डब्ल्यू सो डेल्टा ई इज इक्वल टू, क्यू प्लस डब्ल्यू याद रखना इसमें एजम्पशन क्या लिया है, हीट एब्जॉर्ब है, कल को हीट रिलीज होगी तो इसको क्या ले सकते हो, नेगेटिव क्यू हाँ और कल को जब हीट वर्क डन बाय द सिस्टम होगा और तो नेगेटिव डब्ल्यू ऐसे लेना, हाँ सर समझे। हाँ एक सर लड़का बोलता है सर आप प्लस प्लस ही क्यों ले रहा हो, तो मैं बोला बेटा नेगेटिव भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सर प्लस प्लस मैं दिखने जब में अच्छा है, साइन अच्छा लगेगा। नोट्स बनाऊंगा तो वो दोनों वेरिएशन लिख दूंगा। ओके तो हाँ सर ये फ्लॉट था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी स्लॉट आएगा नहीं, उसमें बहुत टाइम है। हाँ अच्छा। सर जीरोथ लॉ क्या होता है सर, एक्चुअल में पढ़ाना ही नहीं होता है, होता क्या है लेकिन?
हीट ट्रांसफर के ऊपर होता है। हमें तो जीरो लॉ से स्टार्ट किया, देन फर्स्ट लॉ समझा। हाँ वो फिजिक्स में सिखाया जाता है जीरोथ लॉ बेटा, अच्छा मैं भी सिखा सकता हूँ तुमको। वो बस हीट ट्रांसफर ही रहता है ना, लेकिन हाँ लेकिन कैसा बता, उसका जरूरत नहीं है उसमें। जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि तुमने ये पढ़ा था ना, इफ एनीथिंग इज स्टेट फंक्शन तो उसको यूलर्स रेसिप्रोसिटी को सेटिस्फाई करना होता है। सैटिस्फाई करना रहता है। यस सर जेई मेंस के ऊपर है यार, कुछ नहीं आता उसे। अच्छा ओके। तुम देख लो ना, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देख लेना हाँ थर्मोडायनामिक्स का, कभी वो आया नहीं होगा। हाँ हमें ना शायद से अभी ये लोग फिजिक्स के अंदर है ना, मॉडर्न फिजिक्स या फिर वो अटोमिक वो सब के अंदर स्टार्ट करेंगे अभी एंट्री करना, आफ्टर मैकेनिक्स हो गया बना तो। पूरा फिजिक्स वही लेंगे ना। हाँ लेकिन वो सर है सही एकदम, मतलब पढ़ाने में एकदम, एक्सप्लेन करने में और इसमें, और मतलब सर आपकी तरह भी कभी कभी एकदम ऐसा मजाक करते रहते हैं। अच्छा हाँ मतलब वो है ना, बाकी लोगों का बहुत उड़ाते रहते हैं। मतलब टीचर लोग का, टीचर स्टूडेंट लोगों का लोग का। भी प्लस स्टूडेंट्स का भी। अभी वो जैसे गन्नप्पा सर है ना, उनका है ना एक्सेंट बोलते रहते हैं, व्हाट यू डूइंग स्टूडेंट्स, हाँ ऐसा ऐसा बोलते रहते हैं बीच बीच आई राम आई इडली डोसा सांभर। ऐसा ही बट एकदम। वो सर सुनेंगे ना तो लापा मार देंगे, मैं बोलते तेरे को। हाँ उनको तो बुरा ही लगेगा ना सर ऐसा तो। हाँ बहुत तो गुस्सा आएगा उनको, ऐसे सुनेंगे बोलेंगे मेरा पीठ के पीछे लोग पठान का लैंग्वेज में बात करते। पठान उनको कभी नहीं माफ करेगी। सर पठान है कौन सर, आपने मेरे को बोला था यूट्यूब पे कोई है। एक बच्चा है छोटा सा, वो ऐसे ही बोलता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त, ये भी मेरा दोस्त, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं मेरा दोस्त। छोटा सा लड़का है, मस्त एकदम क्यूट दिखता है। मेरे को नहीं पता। छोटा पठान डालोगे ना तो आ जाएगा, और चश्मा लगा के ऐसे ही बोलता है, चलो देखते हैं, तुम ज्यादा टाइम पास मत करो, देखो ये बहुत क्यूट एंड अरे अदरली अरे क्यूट है। मेरे को याद है, मेरे को याद है। हाँ ये एक मीम है, मेरे को याद है। हाँ हाँ याद आ गया सर मेरे वो लड़का कितने क्यूट दिखते, को। ऐसा ही बोलती। तो जब तुम भी स्लॉट लिखेगी तो उसमें ध्यान रखना कि जो हाँ क्यू और डब्ल्यू होते हैं ना वो हाँ साइन के साथ आती। हाँ सर ओके, हाँ सर इसमें क्यू क्या होती? हीट ओके, ट्रांसफर, ध्यान देती, हीट क्यू होती रिलीज। पाथ फंक्शन। जी नो डाउट हीट ही होती, लेकिन वो पाथ हाँ फंक्शन होती। पाथ फंक्शन है, मतलब वो रिलीज हुआ है कि ये किया है ना, हाँ, डब्ल्यू क्या होती? डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन पाथ होती, फंक्शन। लेकिन तुमको सोच के वो टेंशन आती कि क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू स्टेट फंक्शन होती। आइए कैसे सीखाते, पाथ दो पाथ फंक्शन फंक्शन जुड़ के स्टेट फंक्शन स्टेट देती। फंक्शन दे। यस, यस ये स्टेट फंक्शन होती। यस क्यों? इंटरनल एनर्जी करंट स्टेट पे डिपेंड करती, यस तो ये याद रखती, इसका प्रूफ होती एडवांस ओ में, इसका प्रूफ होती, लेकिन मैं नहीं देती ओके सर। क्योंकि बहुत टाइम लेती, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आती। हाँ सर चलो देखो, हाँ अभी हम लोग सम इम्पोर्टेंट कंक्लूजन देखना, हाँ सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कंक्लूजन। कंक्लूजन। मैं जब ये एक्सप्लेन करना, तुमको कोई डाउट आना जल्दी पूछना, समझना हाँ क्या है। हाँ सर देखो अभी अपन अप्लाई करना, क्या अप्लाई करना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हाँ एप्लीकेशन टू वेरियस प्रोसेस, टू वेरियस प्रोसेस। प्रोसेस। तुम कितने बजे सोते? मैं सर आजकल तो जल्दी सो रहा हूँ, लेकिन सर मैं बोलता हूँ कि आज का क्लास अच्छा खासा लेट तक ले लो चलेगा, ऐसा क्यों, अगर क्या होती? अगर आपको ठीक है तो सर मतलब। मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे को सब सर आती, मेरे को सिर्फ बकना पड़ती। सर मेरा, अरे मेरा बस क्या कि वो कल
केमिस्ट्री का लेक्चर है ना, लेकिन वो केमिस्ट्री का लेक्चर भी क्या 10 बजे है, और थर्मोडायनेमिक्स से है, ये लोगों ने अभी उसका रिव्यू सेशन बंद कर दिया मोल का इसका। मोल का रिवीजन हो गया, वो हाँ ये लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन छोड़ो, तुमने आयलन की बुकलेट सॉल्व की? सर रिडॉक्स तो किया ही है मैंने, मोल का ने सिर्फ स्टार्टिंग का किया है, उसके अंदर बिगनर बॉक्स ही किया है, मेरे को याद है। मैंने एक नहीं सर नहीं कर लो कर लो कर लो बेटा, सब सर खत्म मैं कर ढूंढ देंगे। रहा था, जब मैं रिडॉक्स का निकाला ना, मैं ढूंढ रहा था, मेरे को तभी मिला नहीं तो रख दिया था ऐसे ही गाना लेके। याद दिला दिया तुमको, तुमने मेरे को, क्या जो बात, ढूंढने में जमाने में यूं वफा निकला, पता चला कि गलत मुझसा न कोई निकला। गाना भूल गया एक्चुअली, मैं कुछ भी गा रहा हूँ। क्यू इज मेरे इक्वल को, टू मैंने माइनस गाना डब्ल्यू। सुना भी नहीं है तुम तो बीटीएस सुनते हो, मेरे को सर। मैं मालूम है। बीटीएस नहीं सुनता हूँ ये सर। पटेन का बच्चे झूठ बोलते तू, मेरे को अरे सर मालूम। सच्ची में नहीं सुनता यार मैं सर। बीटीएस मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ओके मेरे को समझ में आता, तू वन डायरेक्शन का फैन होता है। अरे सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को समझ ही नहीं आता कि वो लोग सुन कैसे सकते हैं, इतना फालतू फालतू गाना रहता है वो लोग का। तो देखो, देखो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हाँ उसमें सर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी, हाँ मानते हो कि नहीं? यस, और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो हीट एब्जॉर्ब विल ब्रिंग अबाउट द नेगेटिव वर्क, मतलब अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वर्क करेगा। हाँ और क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस क्यू विल बी डब्ल्यू? हाँ मतलब जब रिलीज करेगा हीट तो है ना सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है हाँ इफ सर। ऐसा बोल सकते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो है ना कोई चीज रहेगा जो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एंड वो चीज की वजह से हीट रिलीज होएगा, इसका मतलब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। थोड़ा सा अपन बॉन्ड ब्रेकिंग की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को पता नहीं अंदर रिएक्शन क्या होगा। अरे नहीं मैं बस ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ कोई भी। वो डिपेंड करता है भाई, बहुत सारे ना कुछ कुछ बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक भी हो जाते, अरे एक्सोथर्मिक भी हो सर जाते हैं। लेकिन वो तो नेट की वजह से होगा ना, जो रिलीज ग्रेटर होएगा, सॉरी नहीं, कुछ ऐसे अब्जॉर्प्शन। एक्सेप्शन होते हैं जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, समझे? नाइन्टी ओके नाइन परसेंट प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, ओके ओके, समझा सर लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक्सोथर्मिक हो जाता है, समझा सर समझा, मतलब वो राइट ना? एप्लीकेबल नहीं है इसके लिए। चलो ने देखो, इफ वर्क इज डन सर तो हम, ऑन अगर सिस्टम, हमें देखने का है कि ये ज़्यादा अब्जॉर्प्शन वाला है कि रिलीज वाला है, तो स्टेबिलिटी के ऊपर देख चेक करेंगे। क्या स्टेबिलिटी के ऊपर मतलब अगर हमें पूछा कि कौन ज़्यादा हीट रिलीज करता है एक ग्रेफाइट या फिर डायमंड में से, तो हम उसका स्टेबिलिटी देखेंगे क्या, कि हाँ ज़्यादा हाँ स्टेबल मतलब कौन है। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? हाँ तो ज्यादा मतलब थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है ना ग्रेफाइट की है, हाँ मतलब वो कम रिलीज ग्रेफाइट करेगा की। ना। हाँ, हाँ मतलब ओके, हाँ सर समझा, मेरे को थोड़ा भी रफ आइडिया है। इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम सिस्टम, हाँ मतलब पॉजिटिव वर्क, इसका मतलब हीट हीट विल बी एनर्जी रिलीज बाय द सिस्टम। सिस्टम, याद रखना, हाँ सर, ठीक है ना? हाँ सर, चलो आइसोकोरिक प्रोसेस लेते हैं अभी। व्हाट हाँ सर, डू यू मीन बाय आइसोकोरिक प्रोसेस? प्रेशर कांस्टेंट, सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट। यस, हाँ आइसोबोरिक मतलब बार होता है उसके अंदर, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो उसके अंदर आइसोबारिक के अंदर प्रेशर तो कांस्टेंट, इसके देखो अंदर इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। डेल्टा
डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। हाँ अब इसमें तो कोई वॉल्यूम का फंक्शन दिख नहीं रहा, नहीं तो कैसे करेंगे? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्स इंटू डेल्टा वी, हाँ वो भी सही है, और ये क्या है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो क्यू वी ले लेते हैं क्यू वी ले लेंगे, यस बराबर। सो क्या ना, हाँ इसे ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा एंड डेल्टा कॉन्स्टेंट ई इज वॉल्यूम, हाँ इक्वल टू बिकॉज क्यू वी। डेल्टा डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, यस ओके, हीट हाँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एनर्जी, बराबर हाँ हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम विल ब्रिंग अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मतलब कभी ऐसा हुआ ना, हीट ट्रांसफर किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो तुम समझ जाना इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है। हाँ डन। हाँ सर ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्यू वी इज अ स्टेट फंक्शन। मैं सब बताते चल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ओके, हाँ सर बिकॉज एनर्जी जो था वो भी स्टेट फंक्शन है, तो क्यों भी मतलब जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे किया तो स्टेट फंक्शन हो गया, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे किया तो पाथ फंक्शन हो गया, है क्या ना? क्यों सुनो, क्यू जो होता है ना, सिर्फ क्यू वो पाथ फंक्शन होता है। हाँ क्यों से पाथ फंक्शन होता है, जब क्यों वी करेंगे मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ तो स्टेट फंक्शन हो जाएगा। सर लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन है, वो वॉल्यूम की वजह से ऐसा क्या होता है कि वो स्टेट फंक्शन हो जाता है इंस्टेड ऑफ पाथ फंक्शन? क्योंकि सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से जो हीट होती है ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ओके, हाँ और इंटरनल एनर्जी मतलब वो स्टेट है ना, उसकी हाँ समझा स्टेट समझा, पे डिपेंड करता है। हाँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन। राइट ना। हाँ सर नेक्स्ट, एडियाबेटिक प्रोसेस। यस, इसके अंदर ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, ट्रांसफर ऑफ मैटर है ना, नो हीट एडियाबेटिक, इज अलाउड टू एंटर और लीव, हाँ ये और क्यू इज मैटर, इक्वल टू जीरो होता है, हाँ क्योंकि प्लस क्यू भी जीरो माइनस क्यू भी जीरो। राइट, डेल्टा वी डेल्टा ई जीरो नहीं, डेल्टा ई इज वर्क मतलब है ना, कौन सा वर्क वर्क एडियाबैटिक वर्क, बराबर? तो यस कहना है इसे, इसमें क्यू जीरो होगा, हाँ सो डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू। वर्क, यस वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एनर्जी, हाँ सर हमेशा याद रखना। हाँ लिख देता हूँ स्टेटमेंट, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ सर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। ओके, हाँ सर एक मिनट बेटा, एक जन का रिप्लाई करता हूँ, एक स्टूडेंट का। हाँ सर
हाँ सर क्यों बताओ? वर्क डन तो पाथ फंक्शन होता है। सर वो स्टेट फंक्शन इसके लिए बिकॉज उसके अंदर चेंज नहीं, उसके अंदर कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है या फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं है इसके लिए। ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सुनो बेटा, वर्क अगर हो रहा है मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, समझ में सर आया? लेकिन एडियाबैटिक बोला है तो उसके अंदर कुछ नहीं होता तुमको है। स्टार्टिंग में, सुनो, तुमको स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? अ सिस्टम कैन एक्सचेंज इस एनर्जी विद सराउंडिंग बाय टू वेज, या तो हीट का कुछ कर ले या हाँ तो वर्क डन हो जाए, हाँ समझे? हाँ ऐसा है, क्लियर? हाँ सर सो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो वर्क डन हाँ इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। ओके, हाँ सर नाउ ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा? वर्क विल बी नेगेटिव, हाँ डेल्टा ई विल बी नेगेटिव, हाँ राइट ना? हाँ सर और अगर ई डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। हाँ तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ मतलब टी फाइनल से टी इनिशियल ज्यादा होगा, हमेशा याद रखना, हाँ हाँ सही, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो। हाँ ये पूरा याद रखना। हाँ सर नेक्स्ट, साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लिक प्रोसेस? इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो एंड जीरो। क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्लू। हाँ डन, हाँ सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हाँ सर नेक्स्ट आता है आइसोबारिक प्रोसेस। कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये कभी इसके बाद चम्मच शरबत काटते मेरे को, इसको चेयर भी चढ़ गई, ये लगते इसका दिन भर गए पठान को काटते, ये पठान का खून इसके छाती में जाएगा ना, इसका छाती फट जाएगी। पांचवा पॉइंट, आइसो बारिक प्रोसेस, राइट ना? हाँ सर ये ऐसा होना चाहिए था ना, ह्यूमन का ब्लड ये लोग सक करे, ऐसा कुछ उसके अंदर ऐसा मेडिसिन हो डिफेंस जाना चाहिए था, मैकेनिज्म, ह्यूमन का ब्लड हाँ सक करे मस्किटो मर जाए। हाँ बराबर ऐसा कुछ हो जाना चाहिए, और वो पता मेडिसिन है ना, ह्यूमन के ऊपर कुछ इफेक्ट ही ना डाले। मतलब वो ये आना ऐसे सर कोई अपने मेडिसिन, ब्लड के अंदर ही कुछ ऐसा जेनेटिक्स में ऐसा कुछ होना चाहिए कि ना ब्लड शक्कर और मर जाए। लेकिन आपको हाँ पता हाँ है सर हाँ अफ्रीका के अंदर है ना लोगों ने सिकल सेल एनीमिया अपने बॉडी में डेवलप करके रखा है, जिसकी वजह से है ना उनको मलेरिया ये सब नहीं होता है। अच्छा, एंटीबॉडीज डेवलप कर ली नहीं है। नहीं एंटीबॉडीज नहीं, उनको एक सिकल सेल एनीमिया करके एक डिसऑर्डर रहता है उसके अंदर अच्छा, जो, हाँ उसके अंदर जो आरबीसी रहते हैं ना वो है ना बायकॉन के या फिर वो स्फेरिकल के बदले सिकल शेप्ड रहते हैं। तो उनका मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर है ना अपना नॉर्मल एरियाज में देखे, जैसे अगर मुंबई में किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है ना तो बोलते हैं डिसऑर्डर है, लेकिन उसके अंदर है ना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी कम हो जाता है। लेकिन वो जो है ना अफ्रीका के अंदर साउथ अफ्रीका वर्सन से वो लोगों के अंदर ये एक्चुअली एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि उसके अंदर हर एक के पास सिकल सेल एनीमिया है, वो है ना बस मलेरिया डेंगू ये सबको कॉम्बैट करने के लिए। जिनके पास सिकल सेल एनीमिया होते हैं ना उनको डेंगू मलेरिया नहीं होता। अच्छा, समझा, गजब हो गया ना ये तो। हाँ एक डिसऑर्डर की डिसऑर्डर एक्चुअली बेनिफिशियल है। तो इसमें पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, हाँ चेंज इन प्रेशर, प्रेशर
सेम रहेगा उसके अंदर, चेंज क्या बोल रहा हूँ। पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, राइट ना? हाँ सर, ऐसा ले सकते हो कुछ भी। तो फिर इक्वेशन क्या आता है, पी इज कांस्टेंट, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, हाँ डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू, राइट ना? हाँ सर, तो डेल्टा ई क्या है, क्यू पी है। हाँ अरे बाबा ये क्या लिख दिया मैं, सर, डेल्टा ई डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू पी, क्यू हीट पी, ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हाँ माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। हाँ क्या ऐसे क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, हाँ फॉर्मूला बन गया ना ये। हाँ सर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई टू माइनस ई वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन। हाँ लिख सकते हैं। माइनस ई वन प्लस पी, हाँ सही, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है ना? क्यू पी इज इक्वल टू, नहीं, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है ना? हैं समय को एक, सर मेरे को समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। मैंने पहले तुमको सिखाया है ना, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई होता है। हाँ, तो यहाँ पे कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, डेल्टा ई के बदले क्यू वी डाल दो, तो क्यू वी प्लस पी वी टू माइनस वी वन डाल दो। और कोई तो मेरे को नहीं दिख रहा। तो सिंपल ये क्यू पी जो है ना, इसको डेल्टा एच बोलते हैं, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, ओके, ठीक है? तो हाँ ये सर, इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक नया इक्वेशन बन गया, डेल्टा एच हाँ इज सर, इक्वल टू डेल्टा डेल्टा यू ई प्लस पी प्लस डेल्टा पी वी। डेल्टा वी, ओके इसका हाँ सर, एग्जाम्पल क्या है इस प्रोसेस का, ऑल द एक्सपेरिमेंट डील्ड इन लेबोरेटरी, बताओ कैसे। सर चेंज, एक सेकेंड ना सर, सर जो भी लैब के अंदर होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे रखता है, इसकी वजह से पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं। गुड गुड, लैब में हर जगह प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ओके, हाँ कितना 1 एटमॉस्फियर। सर, यहीं से और एक इक्वेशन ला सकता हूं मैं, शब्द का डेल्टा डेल्टा इक्वल है, तो इवन आई कैन राइट एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, डन। हाँ सर, एच टू को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई टू प्लस पी वी टू, यस, मैंने प्रेशर क्यों नहीं अलग लिखा? प्रेशर कांस्टेंट है। वेरी गुड। एच वन क्या होगा, राइट? हाँ सही, और हीट ट्रांसफर्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एच टू माइनस एच वन, हाँ याद है कैसे? एच टू माइनस एच वन क्या आ जाएगा, ई टू प्लस ई, पी वी टू हाँ सेम आ माइनस ई वन जाएगा, प्लस पी हाँ वी वन, समझ
समझ में आया? तो ये हाँ प्रूफ सर, किया मैंने हाँ कि क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, हाँ हीट ट्रांसफर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथाल्पी चेंज। हाँ सर, इज इक्वल टू एंथाल्पी चेंज, डन ना? हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। हाँ सर, नाउ क्यू पी इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। क्यू समझा पी सर, भी क्या है? स्टेट स्टेट फंक्शन। फंक्शन। हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, डन। हाँ सर, नाउ क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई, वर्क एंड एडियाबेटिक इज इक्वल टू डेल्टा ई, राइट? हाँ क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन साइक्लिक प्रोसेस, ओके? हाँ सर, और फिर क्यू पी क्यू वी वर्क डन इन एडियाबेटिक इज इक्वल टू स्टेट फंक्शन। हाँ डन। हाँ ये हमेशा याद रखना, हाँ सर, नहीं तो ये लोचा करा देगा। हाँ सर, मतलब लोचा करा देगा मतलब सिंपल सी बात है, वही मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ सर, क्वेश्चन करें। सर कल करें क्या? मैं थक गया सर। ओके ओके, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, ठीक है सर, ठीक है? टेन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, कितना वर्क हुआ? 10 जूल, वर्क ऑन सिस्टम एंड 10 कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज्ड। हाँ अभी भी सर्दी है क्या तुमको? सर, सर आपको पता है ये सर्दी मेरे को वैसा अभी अभी हुआ, लेकिन क्या हुआ ना कि ये जो पूजा वाला कमरा था ना, उसके अंदर हमने जोत लगाया था, एंड देन वो जोत की वजह से आग लग गया। ज्यादा? हाँ, अरे बाप रे, एंड वो पूरा क्या धुआं, जला? कपड़ा जल गया, एंड देन बहुत सारा चीज़ें, कपड़ा ज्यादा जला? जो वो एक क्लॉथ, देखो क्या था कि वो सब मूर्ति वूर्ति थी ना, वो सब को क्लॉथ के ऊपर रखा, तो वो क्लॉथ जल गया पूरा, और बाद में थोड़ा बहुत भगवान का कपड़ा वो सब भी जल गया, मैं ये पूछ रहा था आदि, मतलब तो उसके लिए बहुत साइंस को बहुत नहीं सॉरी। मानते घर में थोड़ा भी? मान साइंस मतलब क्यों कैसा? कि कैसा है पता है, इतना धुआं करेंगे तो सांस लेने में कितना प्रॉब्लम होगा, अरे नहीं सर, रिलीजियस है सब कुछ, सब रिलीजन कुछ क्या क्या कि है? सब सब रिलीजन है सर, मतलब रिलीजन क्या कि सब कुछ नथिंग डॉक्टर होने के बाद भी? सर, कुछ नहीं बोल सकता मैं। मतलब हम लोग तो यार खैर पूरा साइंस वाले, हम लोग हाँ तो पता है ना, खुद साइंस पढ़ते भी हैं, सिखाते भी हैं सर, सबको। ऐसा नहीं कि, ऐसा भी नहीं है कि अगर है ना ये नहीं लगाया मतलब कुछ बुरा भी हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये लगाना चाहिए, लेकिन नहीं सुनते।
नहीं, क्योंकि तुम वो रूम में बैठते हो तो तुमको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता होगा। नहीं सुनते हैं, हाँ सुनते नहीं है, मैं बहुत बार बोला है। कौन मॉम सुन, मॉम भी नहीं सुनती नहीं, मम्मा भी बोलते हैं कि नहीं लगाने से, पापा नहीं सुनते। बस सिस्टम कैलकुलेट। अब उसका कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ हेड ऑफ द फैमिली, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डैड तुम्हारे है ना बहुत ही वैसे वाले फैमिली से होंगे, बहुत जो भगवान भगवान में आस्था रखते हैं। हाँ, उनके डैड रखते थे या मॉम रखती थी? मॉम हाँ इसके लिए वो भी, लेकिन वो सब है ना, सब बोलेंगे तो वो जो दादी है ना, वो सब दिखाने का करती है। एक्चुअल में कुछ जैसा बोलना तो नहीं था, लेकिन है नहीं, क्योंकि है ना बहुत ऐसा बोलती है कि मैंने ऐसा किया, मैं ये की करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा सबको करना चाहिए, वो दिखाने का रहता है ना कि मैंने ऐसा किया, वो बहुत आता है ऐसा। अच्छा तो बस मेरे हिसाब से ना पापा भी बोलते हैं ना कि सा इसकी वजह से पापा ना ये सब धुआ हुआ, ये सब करते हैं। फॉलो करते अपनी मॉम को। मेरे को तो जमता ही नहीं है ये सब। एंड ऊपर से मेरे को क्या बोल के रखा है कि है ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मेरे को ये सब करना पड़ेगा। एंड मैं बोला, मैं तो हाँ हाँ बोल दिया, लेकिन पता नहीं कि करूँगा कि नहीं। चलो देखो इधर, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, टेन जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम एंड 10 कैलोरी ऑफ हीट इज रिलीज। तो देखो W को 10 जूल ले लिया और कैलोरी को हाँ, -10 कैलोरी ले लिया, राइट। चेंज इन और अपने को पता है, इंटरनल एनर्जी 0। हाँ तो ये -10 × 4.2 जूल, -42 जूल, अच्छा, एग्री। अरे हाँ, ये भी करने का है। यस, सो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, नेगेटिव तो क्यू थर्टी कितना हो टू जाएगा, -42 + 10 इज इक्वल टू -32 जूल, जूल। डन। यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम इसका आंसर बता दो फिर बंद, हाँ सर, आज का एपिसोड खत्म। हाँ सर, मेरे को नींद आ रही है, सच्ची बोलो तो सर। सोया नहीं था ना दोपहर को? नहीं सर, मैं एक बार उठ गया तो बाद में बीच में, दिन के बीच में ज़्यादा नहीं सोता कभी भी। अगर कुछ ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ ज़्यादा ही थक गया, या फिर कुछ एकदम बुखार खतरनाक वाला है, तब भी ऐसे सो जाता, वरना नहीं सोता। तो तुम लोग, तेरे को भी मेडिसिन खिलाते रहते हैं, विटामिन डी हाँ और वाइटामिन और ये सब? हाँ मेरे को मल्टीविटामिन देते। मैं तो बोल दिया पापा को कि मेरे को ये सब मत दिया करो, मेरे को फालतू में सब अभी के लिए मेडिसिन मेरे को मत दिया करो। मैं बोला नहीं देते मेरे को, अच्छा वरना मतलब बी मल्टी, क्योंकि हाँ बीच बीच मैं में। श्रेया को पढ़ाता था ना तो बीच में विटामिन डी खाते रहती थी, मल्टी विटामिन खाती वो थी। तो सर, उसका क्या, बोन्स भी वीक ही है, उसको जरूरत है ये सब का तो। अच्छा हाँ, उसका पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, हड्डी का समथिंग, लेकिन रहता है फीमेल्स के अंदर बोन का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। हाँ, इसीलिए लोग को विटामिन डी बहुत पहले से खिलाते हैं। यस, और लेकिन बीच में क्या होता था कि है ना सर, बीच में ना कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया था मेरा शेड्यूल, मतलब मेरे से कुछ अच्छे से हो ही नहीं रहा था। और उसके बीच में ना पापा मेरे को बोलते थे कि थोड़ा बहुत ले लिया कर, अब से चालू कर दे तू भी। मैं बोला हाँ, मेरे को एक दो बार दिया, मैं बोला हाँ ठीक है, लेकिन बाद में बोल दिया कि मेरे को है ना अभी मत दिया करो। वैसे विटामिन डी लेना चाहिए तुमको बेटा, क्यों बताए? मेरे अपन लोग को सन का एक्सपोजर मिलता ही नहीं है। को तो मिनिमम एक्सपोजर है सन का तो। इसीलिए और बाहर भी जाता तो फुल स्लीव पहन के जाता, तो हाथ पे तो कुछ लगता ही नहीं है, हाँ, तो फिर सोचो जो भी लगता है ऐसे सर पे लगता है, मुंह पे लगता है। और विटामिन डी एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहता है, अगर विटामिन डी का कमी हो गया ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। बहुत बड़ा मेरे को हुआ था ना। हाँ हाँ प्लेनेटार फेशिया हुआ था। वो क्या, वो ये मैंने कभी नहीं सुना है, मैंने तो ऑस्टियोमेलेशिया सुना है। ये पैर रहता है ना पैर, हाँ ये उसमें जो ये एंकल रहता है ना हाँ और पीछे का हड्डी, वो बाहर बड़ा हो जाता है।
वो प्रॉब्लम होता है। अरे लेकिन मैंने ट्रीटमेंट कराया था। अब तो ठीक होएगा ना सर। हाँ तो मेरा तो खड़ा होने की वजह से हुआ था, और नो डाउट विटामिन की भी डेफिशिएंसी थी। अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम 5 लीटर टू 55 लीटर, ओके, अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफियर सच दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इतना फाइंड। अरे सिंपल, वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव एक्सटर्नल प्रेशर इंटू चेंज, मतलब टू नेगेटिव टू इंटू क्या 50, मतलब -100 हो गया वो। एंड देन अगर 6670 जूल है तो इसका क्या यूनिट बोलते नहीं हैं, बताया। वर्क न्यूटन जूल ही रहेगा, ये बाग बुड़ बाग। लीटर एटमॉस्फेयर। अरे हाँ, लीटर एटमॉस्फेयर टू जूल करेंगे वो, मेरे को याद नहीं कि कितना है। अरे हाँ, 101.3, यस यस। और बाद में 6670 माइनस, दो एक सेकंड रुको, माइनस प्लस 101.30 है ना, यस। लेकिन वो माइनस है उधर, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो 6670 प्लस 101.30, देखा सर, खत्म। आंसर भी दे दिया मैं आपको। यस डन 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 सर, देखा। समझे। हाँ सर, सो जाओ आदि, हाँ सर, सोता हूँ और मैं। सुबह फ्रेश होके एमसीक्यू करो। एमसीक्यू हाँ सर, मैं ना सुबह, यम सी क्यू हाँ यम सी सुबह ही क्यू। उठ के ना मैं इसका मूल का ही एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ। हाँ बैकलॉग का ध्यान रखो, मेरे को हाँ तो सर। टेंशन आ रहा है। जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो धुआं हो जाएगा। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ। ओके बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।